सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है कि कद इतफ़ाक़न नकादु अला अन्ना उमय्यत इब्न अबी सल्त आलमुल अर्ब, ना के दीन का इतफाक़ है इस चीज़ पर, इतफाक़ है कि उमय्यत इब्न अबी सल्त जो हैं वो आलमुल अर्ब, अरबों में से सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं या ज़्यादा शायरी करने वाले हैं। किस में? बिवस्फिल मतरी, बारिश की खूबियाँ बयान करने में, बारिश के औसाफ़, या के बिवस्फिल खैल, घोड़ों का वस्फ़ बयान करने में, बिज़िक्रिल आखिरा, आखिरत का ज़िक्र करने के, या बिज़िक्रिल हर्ब। तो ये एमसीक्यू सबसे पहले पहले भी हम गुजर चुका है और इस पर डिस्कस कर चुके हैं मय्यत इब्न अबी सल्त के बारे में। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा कि बिज़िक्रिल आखिरा। उमय्यत इब्न अबी सल्त ये सकफ़ी ताइफ के का रहने वाला था, सकफ़ी के कबीले से, बनू सकीफ़ से इसका ताल्लुक़ था और इस्लाम से कबल इसकी शायरी हमें मिलती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाज़िर हुआ और इस्लाम भी इसने कबूल किया था। तो इसकी जो शायरी है उसमें ज़्यादातर जो वसफ़ है जो बयान किया गया है बिज़िक्रिल आखिर, आखरत का जो ज़िक्र है वो ज़्यादा मिलता है इसकी शायरी में। तो थर्ड ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा, इसके हालात ज़िंदगी जो है वो बयान करने की अभी ज़रूरत नहीं, वो हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है कि कद इतफ़ाक़न नकादु अला अन्ना अंतरादा आलमुल अर्ब, कद इतफ़ाक़न नकादु, ना के दीन का इस बात पर इतफ़ाक़ है कि अंतरा तुबुन शद्दाद जो है अंतरा आलमुल अर्ब, अरबों में से सबसे ज़्यादा जानने वाला है, जब बिवस्फिल खैल घोड़ों का वसफ़ बयान करने वाला है, या कि बिवस्फिल हर्ब जंग का वसफ़ बयान करने वाला है, बिवस्फिल शबाबी, या कि बिवस्फिल मतर। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा बिवस्फिल हर्ब के अंतरा तुबन शद्दाद जो है ये बिवस्फिल हर्ब जंग की खूबियाँ वसफ़ बयान करने में सबसे ज़्यादा मशहूर है, आलमुल अरब, अरबों में से सबसे ज़्यादा इलम रखने वाला है। तो इससे पहले हम इमरुल कैस, तारफ़त इब्न अल-अब्द, लबीद बिन रबिया आमरी, अमर बिन कुलसूम और इसके साथ साथ ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, इन लोगों की जो हालात ज़िंदगी हैं, जो असहाबुल मुअल्लकात हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब आज इंशाल्लाह हम अंतरा तुबुन शद्दाद के जो हालात ज़िंदगी है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक जो है साहिब मुअल्लकात में से एक शख्सियत वो हारिस इब्न हलीज़ा होगी जिसके हालात ज़िंदगी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम जो सात लोग हैं असहाबुल मुअल्लकात उनके हालात ज़िंदगी जो है वो आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं, उनके हालात ज़िंदगी और उनके जो शायरी है, उनके जो अलकाब हैं वो सारी चीज़ें। तो ये हमारा टॉपिक जो है असहाबुल मुअल्लकात का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ जनरल सी बातें हैं असहाब मुअल्लकात के बारे में, वो इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि मुअल्लकात पर जो एतराज़ात हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अंतरा तुबन शद्दाद जो है ये जाहिलियत का मुमताज़ शायर था, इसका कलाम काबा में लटकाए जाने वाले कसायद में शामिल था और अंतरा का माना बताया था कि अंतरा का माना होता है अज़ुबाबत सौदा और अज़ुबाबत ज़रका, काली मक्खी या कि नीली मक्खी। और 525 ईस्वी में नजद में ये पैदा हुआ और 615 ईस्वी में इसने वफात पाई और ये एक जंग के दौरान कत्ल हुआ था, इसकी मौत जंग के दौरान हुई थी और ये कत्ल हुआ था। इसका कबीला जो है वो अबस है, इसको जब मिलाकर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि अंतरा तुबनु शद्दाद अला अबसी, तो बनु अबस, अबस कबीले से इसका ताल्लुक था और नजद में पैदा हुआ। और इसकी जो वालदा थी अंतरा तुबनु शद्दाद की, इसकी वालदा का नाम ज़ुबैबा था और ये हबशा एक हबशन थी। तो कहा जाता है कि अंतरा तुबनु शद्दाद जब इसका बचपन था तो इसने घोड़सवारी, तलवारबाजी और
इसके अलावा जो भी फ़नून हरब थे वो सीखे, तो लेकिन इसका वालिद जो था वो इसके साथ इतना प्यार और मोहब्बत से पेश नहीं आता था। वो कहता था कि तुम एक लौंडी के बेटे हो, और अरबों में ये रिवाज था जो लौंडी का बेटा होता तो उसको कदर व मंजिलत की निगाह से नहीं देखा जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इस कबीला बनू अब्बस के लोग ऊँट चरवा रहे थे, तो किसी दूसरे कबीले ने उन पर शब खून मारा, उनके ऊँट जो है वो चुराए और वहाँ से लेकर भाग गए। जब इस बनू अब्बस के लोगों को पता चला कि हमारे कबीले के जो ऊँट है वो चुरा कर वो चोरी करके लोग ले जा रहे हैं, तो अंतरा तो बनू शद्दाद और दीगर जो उसके साथी थे वो उसमें पहुँचे, उसने पीछा किया उनका, और इसका वालिद भी साथ। तो उसके वालिद ने कहा कि अंतरा उन पर हमला करो और उनसे अपने जो ऊँट है वो वापस लो। तो अंतरा आगे से अंतरा तो बनू शद्दाद इसने कहा कि जो ग़ुलाम हो वो ऊँटनी का दूध दो सकता है और घर का काम कर सकता है, वो मुलाजम होता है, वो बढ़कर आगे लश्कर में सिपा सालार नहीं हो सकता, जंग में अच्छा जो कारनामे हैं वो सर अंजाम नहीं दे सकता। तो उसके वालिद ने कहा कि अगर तू इन पर हमला करेगा और ऊँट वापस ले लेगा तो तू आज से आज़ाद है, मैं तुझे अपना बेटा मानूंगा। तो इसने हिम्मत की, आगे बढ़ा और उन पर हमला किया और जितने भी ऊँट थे उनसे वो वापस लिए। तो फिर उसके बाद जब इसके वालिद ने इसको अपना बेटा बना लिया और जो अच्छे तरीके से इसके साथ पेश आने लगा, तो उसके बाद जो है जब ये वापस आया तो फिर अपने कबीले में उस वक्त इसने फिर अपना जो मालिका है उसको तसनीफ़ किया, वो लिखा। और लिखने की वजह ये थी कि एक दोस्त था उसका, उसने कहा कि मैं तुमसे बड़ा शायर हूँ, मैं तुमसे शायरी जो है वो बेहतर करता हूँ। तो अंतरा ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ वक़्त दें मुझे, एक वक़्त आएगा फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन सबसे बड़ा शायर है और अच्छा शायर है। फिर उसके बाद इसने अपना जो मालिका है वो तसनीफ़ किया, वो लिखा। तो इसमें जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो चार पांच इसके अहम चीज़ें हैं। एक तो ये ज़माने जाहिलियत का शायर है और असहाब मुलाकात में से है। अंतरा का माना, ये पहले भी एमसीक्यूज़ आया था कि अगर पूछा जाए कि अंतरा का माना क्या है, तो अंतरा का माना होता है अज़ुबाबत उस्सौदा, नीली मक्खी, या क्या अज़ुबाबत उज़रका, ये होगा। और ये भी एमसीक्यूज़ गुजर चुका है कि बनू अंतरा तुबनु शद्दाद की वालदा का नाम क्या है, वो कौन थी, हबशिया थी, फ़ारसिया, या कि फ़ारसी नस्ल थी, हबशिया थी तुर्की, तो ये वो हबशासी की थी, एक लौंडी थी, गुलाम थी। उसकी वालदा का नाम ज़ुबैबा था, ये भी पूछा जाता है। और वह उश तुहिरा बिशेर अलफ़रूसिया, वो अपनी घोड़सवारी की शायरी के लिए मशहूर था, ये भी पूछा जाता है कि अंतरा तुबनु शद्दाद किस वजह से मशहूर था। तो ये वशतुहरा बिशेर अलफ़रूसिया, तो अपनी घोड़सवारी की शायरी के लिए मशहूर था। तकरीबन ये इसके जो हैं वो अहम हैं। और दूसरी चीज़ जो इसकी एक एमसीक्यूज़, ये भी इसमें तकरीबन पांच छह इसके जो हैं वो मशहूर हैं, वही तकरीबन जो है रिपीट होते हैं और यही पूछे जाते हैं कि इसकी जो महबूबा थी उसका नाम क्या था। तो वो अबला उसका नाम था अंतरा तुबनु शद्दाद के, या दारा अबला था वो, एक उसका पहला मिसरा है, कथा मेरे जहन से में नहीं आ रहा अभी, वो कल इंशाल्लाह जो है वो आपको सुना दूँ। उसमें जो है इसने अपने जो चचा की बेटी थी अबला, उसका जो है वो ज़िक्र किया है। तो ये इसके पांच जो है वो एमसीक्यूज़ आप रिलेटेड जो है वो याद करेंगे, जो हम इधर कर चुके हैं कि कद इतफ़ा का नक़ाद अला अन्ना अंतरा था आलमुल अरब, के नाकदीन का इस बात पर इतफ़ाक़ है कि अंतरा तुबनु शद्दाद जो है वो बिवसफ़िल हर्ब, जंग के वसफ बयान करने में सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा जानने वाला है। ये इसका नाम जो है वो भी जिक्र कर चुके, इसका कबीला अबस था, इसकी वालदा हबशा थी, अब एक हबशन थी, तो अबला दूसरा ज़ुबैबा उसका नाम था, इसकी महबूबा का नाम अबला था, और असहाब मुलाकात में से है ये।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि कद इत्तफ़क़ नक़ाद अला अन्ना इमरा अल कैस का ना आलमुल अर्ब, ना के दीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरा अल कैस जो है वो आलमुल अर्ब, अरबों में सबसे ज़्यादा जानने वाला है। बेवसफ़िल मतर, बेवसफ़िल खैल, बेवसफ़िल शबाब। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा कि बेवसफ़िल मतर, बारिश का जो औसाफ है, बारिश का वसफ बयान करने में इमरुल कैस अरबों में सबसे ज़्यादा जानने वाला है, जो अरब शुआरा हैं उनमें सबसे ज़्यादा जानने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसी के रिलेटेड है कि कद इत्तफ़क़ नक़ाद अला अन्ना तुफ़ैल अलग़नवी आलमुल अर्ब, कि तुफ़ैल जो है अलग़नवी ये सबसे ज़्यादा जानने वाला है, इस बात पर इत्तेफाक है ना के दीन का नक़ाद जो हैं बिवसफ़िल ख़ैल, घोड़ों का वसफ बयान करने में तुफ़ैल जो है तुफ़ैल अलग़नवी ये सबसे ज़्यादा अरबों में सबसे ज़्यादा जानने वाला है और ज़्यादा शायरी करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि कद इत्तफ़क़ नक़ाद अला अन्ना अमर बिन अबी रबीआ आलमुल अरब, के उमर बिन अबी रबीआ आलमुल अरब ये अरबों में सबसे ज़्यादा जानने वाला है। बिज़िक्र शबाबी, इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा कि बिज़िक्र शबाबी, इस पे बारे में उमर बिन अबी रबिया के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। बनू कुरैश से इसका ताल्लुक़ था, मक्का में इसकी विलादत हुई और उस रात विलादत हुई जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, आपकी शहादत हुई। तो उस वक़्त लोगों ने कहा था कि हक जो है वो कैसा चला गया और कैसा बातिल जो है वो दुनिया में आया। तो बज़िक्र शबाब उमर बिन अबी रबिया का हमने ज़िक्र किया था कि जो औरतों के औसाफ़ बयान किया करता था, और गज़ल उमैया दौर में, बनू उमैया के दौर में जो जिसने गज़ल में सबसे ज़्यादा बयान किया है, ज़िक्र किया है, वो उमर बिन अबी रबीआ ही है। तो गज़ल जो है वो ज़्यादा वो शबाब या शायर उ शबाब इसको कहा जाता है, और